सफाई मुलाजिम राम सिंह को उल्टा लटका कर पीट पीट कर मार देने के आरोपी फैक्ट्री मालिक जसप्रीत ने अदालत के सक्षम सरेंडर कर दिया। अदालत ने उसको दो दिन के लिए थाना मोहकमपुरा पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने पुलिस के सामने कबूल किया है कि वह अपनी इनोवा में राम सिंह के घर गया था और उसे वहां से उठाकर फैक्ट्री लाया था। पुलिस उसके बाकी साथियों के नाम नहीं बता रही है। बताया जा रहा है कि आरोपी राज्य के एक बड़े नेता का खास है, इस कारण पुलिस भी उस पर सख्ती करने से परहेज कर रही है। आरोपी को राम सिंह पर शक था, उसने फैक्ट्री से लोहा चोरी कर बेचा था। आपको बता दें कि आरोपी जब राम सिंह को फैक्ट्री लेकर आया तो दरवाजे से ही उसके चेहरे पर थप्पड़ मारने शुरू कर दिए। राम सिंह हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाता रहा कि उसे मत मारा जाए, लेकिन उसकी पुकार किसी ने भी नहीं सुनी। जसप्रीत और उसके साथियों ने आते ही राम सिंह के हाथों पर रस्सी बांधी और छत के साथ लगी रॉड के ऊपर डालकर खींच दी। इसके बाद जसप्रीत सिंह साथियों को कहता रहा कि उसे केवल हाथों से बांध कर ही नहीं लटकाया जाए बल्कि पैर भी बांध दिए जाएं, ताकि चोरी करने का पूरा मजा चखाया जा सके। जसप्रीत के कहने पर राम सिंह को उल्टा लटका दिया गया। आरोपी पहले तो राम सिंह को थप्पड़ और घूंसे से ही मारते रहे, इसके बाद हाथों से रॉड पकड़ ली और जहां दिल किया वहां दे मारा। यह क्रूरता करीब 24 मिनट तक चलती रही और इसी दौरान राम सिंह दर्द से चिल्लाता रहा और बार बार रहम की भीख मांगता रहा, लेकिन जब दर्द सहा नहीं गया तो उसने अपना दम तोड़ दिया। राम सिंह के मर जाने के बाद आरोपी उसकी लाश को फिर से कार में रख मेहता रोड पर फेंक कर फरार हो गए। इसका वीडियो भी वायरल हो गया। अमृतसर से सनसनी ऑफ इंडिया के लिए काजल ठाकुर की रिपोर्ट।